आधी रात का वक्त हुआ है, एक कोण में बसदेव थे और एक कोण में देवकी है, तो देवकी को प्यास लगी और तब पानी मांगा। विचार करना, देवकी जितनी रोती थी बसदेव उतने ही रोते थे। आपने सुना होगा महाभारत में प्रसंग आता है कि जिसमें द्रौपदी भीम के युधिष्ठिर के पांडवों के सब संग चल रही थी और जब द्रौपदी को प्यास लगी थी और चक्कर खा के धरती पर गिर गई थी। बेटा बात नहीं, बात मत करो। चक्कर खा के जब धरती पर गिर गई थी तो भीमसेन ने द्रौपदी को उठा करके कंधा पे बैठाया था, कंधा पे, और कंधा पे बैठा के तब चले थे। क्यों? कि अग्नि को साक्षी मान के किस्म खाई जाती है, जादन ब्याह हो तो बता दे क्या सुख में दुख में बराबर के साजी हैं, ये कसम ली जाती है। आज कोई निभा रहा है? और जिन जिन के ब्याह है गए किस्म सबर ने दई है, और याद करो ईमानदारी तो कौन से ना याद है। जादन दो तरफ ब्राह्मण बैठते हैं ब्याह पढ़वे तो अग्नि पे हाथ करवाते हैं लड़का लड़की पे, और तब कहते हैं किस्म खाओ आज, सुख में दुख में बराबर के साजी, बात समझ किस्म तो सब उठाया आता है। पर बाद में किस्म निभित हो जाए एक परेशानी और हो। सत्येंद्र भैया का उतरते बउआ ने बुखार आ जाए और लड़का ने एक गिलास पानी दे दो भीतर कमरा में, डोगरी पूरे मोहल्ला में डोलिया हमारे तो अम्मा बनाए ली है, और लड़का के सिर में दर्द है वो ने बहू ने दवाई लगा दी तो का करी चाची मैं कि ना मैं उजाई की तो भाओ। ये क्या ये अज्ञानता है, अशिक्षा है। पति और पत्नी दोनों गाड़ी के पहिए होते हैं, बराबर हिस्सेदारी होती है। तो आज देवकी जब रो गई है बस देव संग रो गए, आधी रात का वक्त हुआ तो प्यास लगी है तो पानी मांगा है देवकी ने बस देव से। किस तरह से? अरे मोही पानी और प्याई देव मेरे सैया, जावे।
आज हमारे गुरुदेवता जिन्होंने हमें पढ़ाया जनता इंटर कॉलेज में, उन्होंने घर पे बुला करके 500 रुपए का पुरस्कार मुझे दिया और 200 रुपए का पुरस्कार हमारे शिष्य मंगेश को दिया। बीडी यादव, आप देखो ऐसा सत्येंद्र भैया शॉर्ट में नाम ले दो, यानी कि चेला को गुरु के नाम लेने का अधिकार नहीं होता, नहीं होता। मुंशी तुम बोलो, मत तुम समझोगे हमारा